हेलो गाइस एंड गर्ल्स, लेट्स एक्सप्लेन चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं कवर करूंगा द हिल्स हैव आइज पार्ट 2 को, जो आई थी पार्ट 1 के एक साल बाद 2007 में। यह मूवी पार्ट 1 की सीक्वल है, इसलिए पहले पार्ट 1 को देख लो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके डायरेक्टर वगैरह के बारे में वीडियो के एंड में बात करेंगे। खैर अब चलिए चलते हैं जल्दी से स्टोरी की तरफ। तो जैसा कि इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि माइंस में रहने वाले म्यूटेंट्स वहां आने वालों में से लड़कियों को छोड़कर बाकी सबको मार देते हैं, क्योंकि लड़कियों को वो ब्रीडिंग के लिए अपने साथ ही रख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट भी वहीं से शुरू होता है। एक लेडी म्यूटेंट बच्चे को जन्म देती है जो कि मरा हुआ निकला, तो पापा हेड्स नाम के म्यूटेंट ने उस लेडी को ही मार दिया। वाह, सालों तक इन शैतानों के बीच कैदियों की तरह रहो, फिर एक दिन किसी शैतान का शैतान बच्चा मरा हुआ पैदा हो जाए तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। बहुत बढ़िया, एक तरह से उसके लिए अच्छा ही हुआ, ऐसे जीने से अच्छा होगा मर ही जाओ। फिर इंट्रो के बाद हमें बताया गया कि 2 साल पहले एक फैमिली ने रेगिस्तान में रॉन्ग टर्न ले लिया और सेक्टर 16 नाम के मिलिट्री एरिया में काफी अंदर तक चले गए। अगली सुबह उनकी आधी फैमिली का मर्डर हो चुका था और अगले कुछ हफ्तों में आर्मी द्वारा सर्च ऑपरेशंस भी चलाए गए। इसके बाद हम कुछ साइंटिस्ट को देखते हैं जो वहां आए थे रिसर्च पर्पस के लिए। उनके साथ उनका कमांडर ऑफिसर कर्नल रेडिंग भी मौजूद था। वो डॉक्टर विल्सन से डॉक्टर फॉस्टर के बारे में पूछता है, जो कि हिल्स के ऊपर मौजूद था। वहीं ऊपर फॉस्टर रेडियो में किसी हैन नाम के बंदे से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देख पाए कि किसी ने माइंस के अंदर हैन का तामझाम बाहर निकाल दिया था। तभी फॉस्टर को हैंसल नाम का एक फ्रेंडली म्यूटेंट दिखा, जो उससे कह रहा था कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन इतने में लेच नाम के म्यूटेंट ने फॉस्टर को मार दिया और उसकी आवाज सुनकर कर्नल उसे बुला रहा था, लेकिन तभी लेच ने भाला उसके सीने में घुसाकर उसे भी खिलौने की तरह पहाड़ से नीचे फेंक दिया। इसके बाद हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग से लौट रहे थे और उन्हें उन साइंटिस्ट को सप्लाईज देने का ऑर्डर मिला था, तो वो वहीं जा रहे थे। इसमें इनका कमांडिंग ऑफिसर है सार्जेंट जेफ मिलस्टोन। कैंप तक पहुंचकर वो देखते हैं कि वहां कोई नहीं है। सार्ज को रेडियो में किसी की आवाज आती है जिसमें कोई कहता है कि वो हिल के ऊपर है और उसे मदद चाहिए। तभी उन्हें हिल्स के ऊपर से मिरर का रिफ्लेक्शन दिखता है, जिससे वो वहीं जाने का फैसला लेते हैं। और ये मिशन अब एक रेस्क्यू मिशन बन चुका था। और आपको बता दूं कि इनमें से सार्ज सबसे एक्सपीरियंस्ड है और नेपोलियन उतना स्किल्ड नहीं है, लेकिन एंड तक कहानी कुछ और ही बताएगी। नेपोलियन और एम्बर नीचे कैंप पर ही रुके और बाकी सब चल पड़े रेस्क्यू के लिए। नेपोलियन अपनी गन टॉयलेट के बाहर रख कर अंदर गया तो उसे टॉयलेट के अंदर दिखा एक हाथ। उसे बाहर निकालने पर हमें पता चला कि वो था डॉक्टर विल्सन, जिसकी बॉडी पे बहुत सारे छोटे छोटे कट्स लगाकर उसे टॉयलेट के अंदर तड़पते हुए मरने के लिए म्यूटेंट्स ने छोड़ दिया था। वो उन्हें कुछ जानकारी दे पाता उससे पहले ही उसने दम तोड़ दिया। वहीं ऊपर हिल्स में चलते चलते मिकी एक गड्ढे में गिर गया था, लेकिन उसे सबने मिलकर बचा लिया। गिरने की वजह से उसकी एंकल ट्विस्ट हो गई थी, इसलिए सार्ज ने उसे वापस कैंप में भेज दिया। तभी कैंप में नेपोलियन और एम्बर देखते हैं कि उनकी गाड़ी को किसी ने जला दिया और उनके राइफल्स भी वहां से गायब थे। ये देखते हुए एम्बर बाकी सोल्जर्स के पास जाना ही सही समझती है, लेकिन नेपोलियन वहीं रुकना चाहता था। एम्बर उसे फट्टू कहकर वहां से चल दी, लेकिन ऐसा करना उसे भारी पड़ने वाला था। रास्ते में उस पर स्टैबर नाम का म्यूटेंट अटैक करता है, लेकिन तभी मिकी ने उसे गोली मार दी, जो कि घायल होने की वजह से वापस कैंप में आ रहा था। स्टैबर गोली खाकर एक होल से माइन के अंदर चला गया, लेकिन उसने दूसरे होल से मिकी का पैर पकड़कर अंदर खींचा और नेपोलियन और एम्बर मिलकर भी उसे नहीं बचा पाए। यहाँ चलते चलते सोल्जर्स को मिली फॉस्टर की डेड बॉडी, जिससे वो और भी अलर्ट हो चुके थे। कुछ दूर और चलने पर कैमिलियन ने स्पिटर पर हमला किया, जिसके चलते वो पैनिक कर गया और तभी उसके सामने आ गया सार्ज, जो फोकट का फ्रेंडली फायर में निपट गया। इस चीज का स्पिटर को बहुत रिग्रेट हो रहा था। तभी एम्बर और नेपोलियन ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया और मिकी के बारे में पूछने पर उन्होंने उन्हें सब कुछ बता दिया। फिर कुछ दूर और आगे जाने पर उन्हें रस्सी के सहारे नीचे था, तो सार्ज की बॉडी को ले जाने का जिम्मा लिया स्पिटर ने, क्योंकि उसने ही उसे मारा था। सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन आधे रास्ते उतरते ही उनकी रस्सी टूट गई और स्पिटर भी नीचे गिरकर स्प्लिट हो गया। लेकिन रस्सी टूटी नहीं थी, बल्कि उसे काटा गया था, जिससे वो समझ गए थे कि कोई उनके साथ भयंकर उंगलीबाजी कर रहा है और एक एक करके उनका शिकार भी। इसलिए वो खुद को शांत रखकर दूसरे रास्ते से आगे बढ़ने लगे, जहां आगे भी था एक डेड एंड, लेकिन वहीं उन्हें मिला मूवी के स्टार्ट वाला कर्नल रेडिंग। उससे उन्होंने पूछा कि बच निकलने के लिए क्या करना होगा, तो कर्नल ने बोला कि माइन से होते हुए ही जा सकते हैं, जहां वो तुम्हें वैसे भी जान से मार ही देंगे और लड़कियों को रख लेंगे अपनी आबादी बढ़ाने के लिए, लेकिन उससे भी एक आसान तरीका है ये।
कुछ देर बाद एम्बर और मिसी एक जगह पर बैठकर बात कर रहे थे और तभी उन पे स्टैबर ने फिर से अटैक किया, लेकिन ये था उनका एक ट्रैप जिसमें स्टैबर फंस गया और बाकी सब ने उसे भूनकर उसकी इज्जत बचा ली, क्योंकि अगर इसे कोई स्टैब करके मारता तो पहाड़ों में इसकी क्या इज्जत रह जाती। सब उसे देख रहे थे, तभी मिसी टॉयलेट करने गई तो कमिलियन उसे पीछे से दबोच कर अपने साथ ले गया। उसकी आवाज सुनकर सब उसके पीछे हो लिए। स्टंप की माइंस के अंदर जाने से फट रही थी, इसलिए वो उन्हें छोड़कर अकेले ही वहां से निकल गया, लेकिन अकेले वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। नीचे उतरते हुए एक गड्ढे से लेच ने उसका हाथ काट दिया, जिससे स्टंप की भी विकेट गिर गई। अब सिर्फ 5 ही सोल्जर्स बचे थे, डेलमार, क्रैंक, नेपोलियन, एम्बर और मिसी, जो कि कैद है। वो अच्छा खासा अंदर जा रहे थे कि अचानक से नेपोलियन और एम्बर एक गड्ढे में गिर गए। डेलमार और क्रैंक उन्हें वहीं रुकने को कहते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। मिसी की चीखें सुनकर वो उसकी आवाज को फॉलो कर रहे थे। वहीं नेपोलियन और एम्बर का सामना हुआ कमिलियन से, जिससे वो बहादुरी से लड़े और उसके सर को पत्थर से क्रश करके नेपोलियन ने उसे मार दिया। तभी वहां आया एक अंधेड़ म्यूटेंट ग्रैबर। वो दोनों उसके सामने ही थे और यहां पूरी डेसेंट वाली फीलिंग आ रही थी। वो दोनों एंड तक पहुंच गए थे, जहां था एक छोटा सा दरवाजा, जिसके अंदर जाते ही उन्हें मिला वही फ्रेंडली म्यूटेंट हैंसल, जिसे देखकर उनकी फट गई, लेकिन उसने उनसे कहा कि वो यहां सेफ हैं। बाहर ग्रैबर के हाथ एक गन लग गया था और तभी वहां पहुंच गए डेलमार और क्रैंक, जिनकी आवाज सुनकर ग्रैबर ने अंधी फायरिंग की, जिसमें डेलमार को गोली लग गई, लेकिन क्रैंक ने ग्रैबर को भून दिया, जिसमें उसकी सारी गोलियां खत्म हो गई। नेपोलियन ने उन्हें नीचे बुलाया और फिर उन्हें ना चाहते हुए भी हैंसल पे भरोसा करके आगे बढ़ना पड़ा। वो उन्हें यहां से बाहर लेकर जा रहा था और रास्ते में ही डेलमार ने भी दम तोड़ दिया और आगे जाकर हैंसल उन्हें बाहर का रास्ता दिखा रहा था, लेकिन वो मिसी के बिना वहां से नहीं जाना चाहते थे। लेकिन क्रैंक का कहना था कि वो बिना गन और गोलियों के उनका सामना नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो उन दोनों का साथ छोड़ देता है और नेपोलियन और एम्बर वहां से मिसी को बचाने वापस चले गए। क्रैंक एक रूम में जाता है जहां उसे मिला ढेर सारा डायनामाइट और वो एक क्रेट को लेकर बाहर आता है, लेकिन उसके साथ उसका ट्रिगर अटैच था, जिसके नीचे गिरते ही हुआ एक बहुत बड़ा धमाका, जिसमें क्रैंक भी निपट गया। रास्ते में उन दोनों पर लेच ने अटैक किया, लेकिन नेपोलियन ने उसके हील टेंडन को काट दिया। फिर एम्बर ने उसके चेस्ट में 5-6 बार स्टैब करके उसे मार दिया। फिर वो पहुंचे मिसी तक, जिसे पापा हेड्स बेड से बांध रहा था। उन्होंने फोन के इस्तेमाल से उसका ध्यान बटाया और मिसी को फ्री करके जैसे ही जाने लगे, वैसे ही हेड्स ने उन पर हमला किया। पहले नेपोलियन ने एक भाले को उसके अंदर घुसा दिया, फिर उसके हाथ को एक्स से पिन किया, फिर मिसी ने उसके ग्रोइन एरिया में 3-4 बार हैमर से मारा, फिर नेपोलियन ने उसके मुंह के अंदर गन की नाइफ को घुसा दिया, जिससे फाइनली वो दानव मारा गया और नेपोलियन बन गया MVP। उनके बाहर निकलते हुए हमें बताया गया कि उन ट्रेनीज के गायब होने का रीजन उनके फैमिली को कभी एक्सप्लेन नहीं किया गया और सेक्टर 16 आज भी एग्जिस्ट नहीं करता। और इसी सीन के साथ नहीं रुको, आखिर में हम देख पाते हैं कि उन्हें अब भी कोई म्यूटेंट कंप्यूटर में इंफ्रारेड फुटेज में देख रहा था। इसका मतलब यही है कि वो बच नहीं पाए, उस म्यूटेंट ने ही उन्हें मार दिया होगा। और अच्छा हुआ वो हमें नहीं दिखाया गया, नहीं तो इस मूवी को और ज्यादा हेट मिलता। कम से कम इनको तो छोड़ देते यार, पिछले पार्ट्स में भी तो सर्वाइवर्स थे और वो तो नॉर्मल लोग थे, ये तो फिर भी सोल्जर्स हैं। कम ऑन यार, उन्होंने इतना स्ट्रगल किया लेकिन फिर भी वो सर्वाइव नहीं कर पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यही वजह हो सकती है कि ज्यादातर ऑडियंस ने इसे पसंद नहीं किया और इसके और पार्ट भी फिर कभी नहीं आए। खैर, इसके डायरेक्टर हैं मार्टिन वाइज और राइटर हैं वेस और उनके बेटे जोनाथन क्रेवन। तो गाइज एंड गर्ल्स, द हिल्स हैव आइज की सीरीज में इतना ही था और मुझे उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आए होंगे। अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर देना। इसकी ओरिजिनल फिल्म और उसका सेकंड पार्ट लाने का अभी मेरा कोई प्लान नहीं है, लेकिन डिमांड आएगी तो उसे भी हम कवर जरूर करेंगे। फिलहाल मैं फोकस कर रहा हूँ 2000s में बनी रीमेक्स पे। खैर, इस वीडियो में इतना ही था। तुम अपने विचारों को कमेंट्स में छोड़ सकते हो कि इसे और बेहतर कैसे किया जा सकता था। बाकी मैं आपसे मिलूंगा एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।